अच्छा जी, तो मैं समय से पहले आ गया, कोई अपने कमरे में तो नहीं? और कमरों से जब आओ तो बंद भी कर दो। ये पलट के देखने की आदत गलत, जिसका काम उसी को सुहावे। मैं क्या शुरुआत करूंगा मुझे कभी पता नहीं होता, ये गद्दी हमसे खुद अपना काम करवाती है। तो इस गद्दी पे जब बैठा आके और आप लोगों के लिए कुछ लगाया, मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। मुझे इतना पता था आपदा का कुछ है, मैंने लगा दिया। तो उसमें जो बात कही सच कहें तो वही बात करने हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मन लागो यार फकीरी में, क्योंकि हमको या तो सिखाया गया मन की सुनो जो संसार सिखाता है, या फिर उसके बीच हम लोगों को ऐसा कुछ सिखा दिया गया। आज के युग में कुछ गुरु ऐसे हुए जिन्होंने सिखा दिया कि थोड़ा सा चलोगे, ध्यान करोगे, ये करोगे, मन मर जाएगा। लेकिन वास्तविक बात है, मन कभी मरता नहीं, जब तक आप जीवित हो मन रहता है। हाँ, मन फकीरी में लग सकता है, संसार में लगा था फिर फकीरी में लग सकता है, और ये बड़ी ईमानदार बात है कि उसको फकीरी में लगाया जा सके। तो हम लोग इस पूरे चर्चा को मन लागो यार फकीरी पे लेके चलेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं फकीरी में मन लगाऊं, मैं ये भी तो पूछ लूँ किसका कहाँ मन लगा हुआ है। जब तक मुझे ये पता नहीं कि आपका मन कहाँ लगा है, मैं कैसे गाइड करूँगा कि आप लोगों को जाना कहाँ। वैसे मैं सामूहिक चर्चा पसंद नहीं करता कि मैं कोई एक बात बोलूँ और 50 लोग सुने, क्योंकि 50 लोगों के काम की कोई एक बात हो नहीं सकती और इससे भ्रांति पैदा होती है। कोई एक व्यक्ति क्वेश्चन करता है उसका हम आंसर देते हैं, और बाकी जो बैठे होते हैं जिनका वो क्वेश्चन ही नहीं है वो लोग अपने अंदर डाल लेते हैं उसको। तो मेरा ये ढंग नहीं, इसलिए हम बिल्कुल सहज शुरुआत करेंगे हर एक से एक वचन की। जो बात मैं कह रहा हूँ पहले उसको समझ लो और बहुत तेजी से निर्णय ले लो, कौन आदमी क्या चाहता है। एक वचन मुझे बोलेगा, मैं सबकी सुनूंगा और वादा करता हूँ एक वचन आपका वो पूरा होगा जो आप चाहते हो। लेकिन जैसे आप मुझसे एक वचन चाहते हो कि ये पूरा हो, उसी के अपोज मैं भी एक वचन मांगूंगा, वो आप पूरा करोगे और आपका पूरा हो जाएगा। और ये बहुत सहज सा खेल है। तो शुरुआत किससे करते हैं, आप शुरू हो। मैं जो मैं है ना वो मैं मिट जाए, वो मैं चाहता हूँ कि मैं मिट जाए, मैं कुछ नहीं जैसे खो जाऊँ। पक्की बात, ऐसी इच्छा है? ना ना, सोच लो पहले। हम बात तो वही यही हाँ। मैं खत्म करना, याद रखना, अभी हम दोबारा लौटेंगे। आप बताएं। सखा मुझे आपका साथ चाहिए, आपके नजदीक जाना चाहता हूँ। मेरा साथ चाहिए, आपके साथ ही जाना चाहता हूँ। चलिए, जो आपको ठीक लगे। ये तुम मुझे जनरल में डाल देते हो, जो मुझे ठीक लगे। ठीक, आपको ठीक लगे। आप जो सोच के मैं आया था वो पूछने से पहले ही इतना कुछ मेरे जीवन के साथ हो रहा है, मेरे को तो कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नहीं है, कोई चाह भी नहीं? नहीं, चाह तो है। मैं चाह पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। स्वामी जी, जैसे ये है कि जो चीज़ें मुझे चाहिए उसी के लिए अभी मैं, मुझे लगता है कि मेरा जो बेस है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना चाहिए। अभी समय आएगा, वो चीज़ भी शायद, अभी मेरे को जो मिल रहा है मैं उसी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। ठीक, चलिए। आपको अच्छा लगा, मुझे पता नहीं, कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये आपको ज़्यादा पता है। हाँ स्वामी जी, एक तो दो वचन,
दो वचन है, क्रास तो नहीं। पहला ये कि शराब छोड़नी है और दूसरी ये कि शराब पीनी है, ऐसे बस वचन मांग लेना। दो वचन ज्यादातर क्रास होते हैं, मांग के देखो हम देखते हैं क्रास है कि नहीं है। स्वामी जी पहला तो ये है कि आपका साथ चाहिए और दूसरा ये कि जिम्मेदारियों से जल्दी से फ्री हो गए वही आपका साथ चाहिए। क्रॉस है चलिए आगे बढ़िए। आप तो तू तो पहले डटी हुई है, आप बोलो। जो मेरे लिए अच्छा है वो आप बता दीजिए। ये जो कहता है ना वो बहुत लफड़े में फंसता है, मुझे तो डालते ही डालता है, खुद भी लफड़े में फंसता है क्योंकि मुझे जो पसंद है वो तो पूरा बर्बाद होना पसंद है। बस ठीक है, आपको बता दिया सब कुछ और कुछ नहीं। चलिए आप जो आपकी मर्जी। ये देखो दूसरों से सीख के जो सब कहते हैं ना आपकी मर्जी आपकी मर्जी, ये कब दूसरे की सीख के नहीं कह रहा हूँ। आप मैंने मतलब पोस्ट देखी थी जिसमें आपने कहा था कि जब भी आप बैठते हो तो मतलब पहले बोलना स्टार्ट नहीं करते, जो भी वहाँ मुझसे बोला जाता है मैं वही बोलते हो। तो जैसी हमारी चेतना है किस लय पे है कैसा है वो उसी हिसाब से हमें जोड़ दीजिएगा, यही आपसे नंबर निवेदन है। चलिए चलिए, बुक्स पढ़ पढ़ के हम बहुत बोर हो गए हैं। बोलो बोलो तुम भी बोलो। मुक्त होना है, किस चीज से मुक्त होना है? सब चीज से मुक्त होना है, मुक्ति से मुक्त होना है। कुणाल आपका कुछ है? स्वामी जी ऐसा था कि मुझे फील होता कि मैं ना आपको पहले भी कहना चाहता था, आपको की वजह से मेरी बहुत ज्यादा स्टॉपेजेस है और इस दौरान मुझे मतलब जैसे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ ना कहीं, इसके कारण मैं पीछे रह जाता हूँ कि है तो लिमिटेशन ही ना ये काफ़ी हद तक, तो उसके कारण थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी है। पर अब मैंने थोड़ा सा मन को थोड़ा सा वो कर लिया है कि आंखें नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी आगे मतलब इस अध्यात्म के रास्ते पर भी आगे जाया जा सकता। गुड गुड, ये तो ना कि मतलब एक चीज़ नहीं है, दूसरी भी कुछ ऐड ऑन हो ही होगी मेरे अंदर, बस इसी पर जो अध्यात्म का रास्ता उससे ही मतलब आगे चलता रुकू ना, जो मेरे चिंताएं हैं वो मतलब जो मन में थोड़े से वो झंझट के पैदा होते हैं वो उससे लगातार निकलता रहूं, आगे चलता रहूं, रुकू ना। चलिए समझ गया, अब मैं थोड़ी सी बातें करता हूं, आप दोनों से मैं कुछ नहीं पूछूंगा, माँ से भी कुछ नहीं पूछूंगा, आपसे भी नहीं पूछूंगा। फिर से आप शुरुआत करते हैं, फिर शुरुआत से आते हैं। अब आप बताओ क्या कहा था? मैं खत्म हो गया। देखो स्वामी जी, हाँ बोलो। जो कहने की बात आ जाती है ना जब शब्दों में, तब सही तो जैसा अंदर है वो पूरा, तो जो तुम जैसा कहो हम समझ लेंगे सही वाला। तो वैसे तो यही है मैं। देखो मैं ज्यादा भी आपसे बातचीत नहीं किया, लेकिन ऐसी बहुत से धर्म जगत में ऐसे लोग होते हैं जिनका ये होता है कि मैं मिट जाए तो सब हो जाएगा, लेकिन मैं मिटने का बहुत आसान प्रोसेस है। तुम जिस चीज को भी अपना होना समझते हो उससे अपना भाव हटाओ। तुम उससे मांगते हो कि मैं हटाओ, और मैं तुमसे मांगता हूँ जो तुम्हारा है उससे अपना भाव हटाओ। तुम अपना वचन पूरा कर दो, मेरा वचन अपने आप पूरा हो जाएगा। मैंने कहा था एक वचन आपसे लूंगा, तो आप जो हैं जिस चीज से भी आपका लगाव हो उससे लगाव हटाओ। चीज नहीं हटानी, मकान में रहते हो तो मकान नहीं हटाना है, मकान तो रहने योग्य, सुंदर से सुंदर रहो, लेकिन उसे पकड़ हटाओ कि इसके बगैर नहीं रह सकते, वो तुम्हारा है ये सोच हटाओ। जिस शरीर में रहते हो वो शरीर भी तुम्हारा नहीं है ये सोच हटानी पड़ेगी। अभी तक धर्मों ने ये तो सिखाया कि ये शरीर तुम्हारा है, मैं ये कहता हूँ ये शरीर भी मेरा नहीं। मैंने अपने शरीर को ऐसा कवाड़ा बना लिया कि मैं किसी के लिए भी काम आ सकता हूँ। तो इसलिए जितनी भी जगह तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हो, तुम्हारा है, मैं है, उतनी जगह से मुंह हटाओ, मैं भाग खड़ा होगा। मन हटाने को कहा है, वस्तु नहीं हटाने को कहा, वस्तुएं रहने देना, मन हटा लेना,
और ये पूरा हो जाएगा। पूरन जी आपने कहा कि मेरे साथ रहना है, मेरे साथ रहने के कई अर्थ हैं, पहले तो उनको समझ लें, फिर उसके बाद उसमें से चुने कौन सा मेरे साथ रहना। मेरे साथ एक रहना है मेरे शरीर के साथ रहना, मेरे आश्रम में रहना, मेरे फ्लैट में रहना, मेरे साथ दोस्ती यारी में रहना, एक तो ये है। एक मेरे साथ रहने का अर्थ है कि मैं चाहे कितनी भी दूरी पे हूँ आपके साथ रहूँगा, उसमें दूरियां मायने नहीं रखती। और एक मेरे साथ का अर्थ है कि इतने गहरे आपने मुझे अपने में आत्मसात कर लिया कि मेरी भी जरूरत नहीं पड़ी, ना मेरी स्मृति की जरूरत है, ना मेरी बातों की जरूरत है। तो ये तीन तरीके के तरीके हैं मेरे साथ रहने के। शरीर वाला, आपको हर जगह मैं आभास हूँ, बच्चे में, स्त्री में, हर जगह मैं आपको दिखूँ, वो वाला, या आप अपने अंदर मुझे इतना गहरा आत्मसात कर लें कि मेरी भी ज़रूरत ना बचे, वो वाला। अब इन तीन में से चुनो कौन सा वाला मेरे साथ रहना। गहरे में आत्मसात कर लें, गहरे में आत्मसात कर लेने का तो फिर एक ही तरीका है। इस जगत में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, नदी, पेड़, पहाड़, स्त्री, पुरुष, शस्त्र, अस्त्र, आग, पानी, हवा, इवन की शत्रु, इवन की तुम्हें जो नुकसान पहुंचाते हैं, तुम्हारी पत्नी, तुमने कहा ना सुकरात जैसी पत्नी, वो सब मैं हूँ, वो सब मैं हूँ। मैं शस्त्रों में ही नहीं हूँ, मैं फूलों में भी। और मुझे आत्मसात करने का ढंग है हर चीज़ को आत्मसात कर। मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ। जगत में एक बहुत लफड़ा ये हुआ है कि आज तक लोग, धार्मिक लोग तुम्हें नज़र आए, और धार्मिक नज़र आना बहुत आसान है। जैसे कोई शराब पीता है और उसे शराब से पीड़ा होती लेकिन छोड़ नहीं पाता, तो कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है जो शराब नहीं पीता है और उसका संकल्प अच्छा है, वो नहीं पीता है, तो तुम्हें वो अच्छा लगता है, धार्मिक लगता है। ऐसी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने अपने नियम बना के जीते हैं और उन नियमों को पकड़ के उसमें बहुत अच्छे तरीके से कूद जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो धार्मिक होते हैं, और वो धार्मिक लोग लोगों को लुभाते हैं। शराब ना पीता हो तो जो शराबी होते हैं उन्हें लुभाता है, लेकिन मैं तो सब कुछ करता हूँ, सब कुछ नहीं भी करता हूँ, क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूँ। मैं आध्यात्मिक इन अर्थों में हूँ कि मेरे लिए पूरा जगत ही मेरा जो है अपना है, मैं यहाँ किसी चीज़ का स्वीकार नहीं कर सकता। और यही कारण है कि मुझे अगर आत्मसात करना है किसी को भी, तो उसे पूरे जगत को आत्मसात करना पड़ेगा। मेरे पास एक बार मेरा एक दुश्मन आया जो मुझे बहुत बुरा मानता था। उसने मुझसे आया, कहने लगा मुझे तुमसे नफरत है, क्या मुझे सलाह दे सकोगे कि मैं कैसे निपटूं? मैंने कहा मार दो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं, ये बहुत ख़तरनाक आदमी, इसको मार देना ही उपाय। वो कहने लगा अपने बारे में ऐसी बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं तुम्हें सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने को ही सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि तुम भी मुझे अपने से अलग नहीं दिखाई देते। तो बात ऐसी है कि अगर मुझे आत्मसात करना है उन अर्थों में कि मैं भी ना रहूं, तो उसका तरीका है तुम्हारे चारों तरफ जो है उसे शशांक मानो और गले लगा लो। बस एक ही वचन आपसे कह रहा हूँ, उसे शशांक मानो और गले लगा लो। अपनी पत्नी को भी जाना और बढ़िया सा किस करना, बहुत समय हो गया होगा नहीं किया होगा, किस करना, कहना स्वामी जी समझ के तुम्हें चूम रहा हूँ, और तू कहती थी स्वामी जी के पास चले ना जाओ, मुझे तो तुझमें ही स्वामी जी दिखने लगे, और बड़ा मज़ा आएगा। सच कहूँ एक जीवित गुरु के साथ रहना उतना ही खतरनाक है जितना एक दुष्ट बीवी के साथ रहना, कोई बहुत अंतर नहीं है। एक जीवित गुरु भी उतना ही हिलाता है जितना बीवी हिलाती, और आप तो पहले ही कह चुके हो सुकरात जैसी बीवी, तो यानी कि आप सुकरात जैसी अपनी समझ भी रखते हो। तो सुकरात की जरा अगर समझ है तो बीवी को जाओ और गले लगा लो, सबको गले लगा लो, वो बकरियों को भी गले लगाओ, उनको भी जब कभी चारा खिलाओ तो ऐसे खिलाओ जैसे मुझे खिला रहे हो, और मुझ तक पहुंचेगा। और जब उनको बेचो तो जब बेचो तो ऐसे ही बेचो
कि बेच दिया उसको तो उससे कोई मेरा लगाव भी नहीं। लगाव अगर है और छोड़ने की सामर्थ्य नहीं है तो आप समझ लो अधूरा जीवन जीते हो। एक पिता अपनी बेटी को पाल के बड़ा करता है, उससे प्रेम करता है, फिर एक दिन दान कर देता है। मुझे नहीं मालूम जगत में लोग कैसे दान करते हैं, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने अपनी बेटियों को दान ही कर दिया वस्तु मान के। लोग कहते होंगे ये तो अलग बाबा है, लड़कियों को वस्तु बता रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिससे संबंध बनाना है प्रेम के, उसे ऐसे ही छोड़ देना है कि जैसे था ही नहीं। तुम वो नहीं देखते जो गणेश को लोग ले आते हैं अपने घर में, वो क्या होता है? गणपति। गणपति, गणपति बप्पा मोरिया, उसे रखते हैं अपने घर में, पूजा पाठ करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर एक दिन फेंक आते हैं, जिसको बोलते हैं सरा देना, विसर्जन। तो जब विसर्जन करते हैं तो विसर्जन के दो ढंग होते हैं। विसर्जन का ढंग होता है कि आपने किसी चीज़ को बहा दिया, लेकिन चीज ही नहीं बहाई, अपने अंदर से भी बहा दिया। तो एक तो ढंग है विसर्जन का कि बहा दिया। दूसरा विसर्जन का एक और ढंग है जो इंसान को अपने जो पिता और सब होते हैं उनकी अस्थियों के साथ करना चाहिए, कि अगर किसी तरीके से वो इनकम्प्लीट रह गए तो उनके गुणों को अपने अंदर विसर्जित कर ले। अपने अंदर, नदी में विसर्जित नहीं करना है, उनके गुणों को अपने अंदर विसर्जित कर लेना। तो यदि कभी किसी बकरी को बेचो और तुम्हें मालूम हो इसे काटा जाएगा, तो ऐसे बेचना जैसे स्वामी जी अब तुम्हें बेच दिया, घर की रोटी चाहिए थी, अब कट भी जाओ तुम और मैं कट जाऊंगा और मुझे पीड़ा नहीं होगी उसमें। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी बकरी भी मैं हूं और मुझे आप बेचते हो तो मुझे कोई पीड़ा नहीं है, आप भी पीड़ा में मत पड़ना। अभी तो बेचता हूं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती। तो मैं अब कह रहा हूं ना आपसे, अब बेचना तो ऐसे बेचना, शशांक को बेचा, किसी का पेट भरेगा? ऐसा ही तो समझे। तो इस तरीके से आप मुझे विसर्जित कर सकते हो, और अगर ये विसर्जन कर पाए और इस तरीके से अंगीकार भी कर पाए तो निश्चित ही आप मुझे वैसा महसूस करोगे कि पूरे अपने अंदर, कोई भी दूरी नहीं। तो आपके साथ मेरा ये वचन है, हर काम को ऐसे करना जैसे ये शशांक है, हर एक को गले ऐसे लगाना और थप्पड़ भी मारना तो पूरा मार देना कि जैसे ये शशांक है। लोगों को अक्सर ऐसा ये होता है कि जिससे प्रेम करते हैं उसे वक्त आने पे थप्पड़ नहीं मार सकते, लेकिन ये गलत बात है। आपने याद करो तोतापुरी की और रामकृष्ण की वो कहानी, कि रामकृष्ण को माँ से बहुत प्रेम और माँ ही मुक्त नहीं होने दे रही, तो तोतापुरी ने कहा कि अब माँ को तो काटना पड़ेगा। बहुत मुश्किल हो गई थी रामकृष्ण को, लेकिन काटा तभी मुक्त हुए। जब तक नहीं काट तो जब तक तुम शशांक को प्रेम करते हो और इसको खिलाने योग्य नहीं समझ सकते किसी को, तब तक तुमने अधूरा प्रेम किया। तो खिला भी देना चलेगा, मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं, तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं। तो ये आपके साथ मेरा वादा है। ये बाकी बच्चे हैं जो मेरे ऊपर छोड़ दिए, इनसे तो मैं क्या ही कहूँ, इनको तो वक्त आने पे बता देंगे तुझे हम आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, कितनी मकारियाँ चल रही तुम लोगों को ले लेके, तो अभी कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप ही कहते हो मैं बेहतर सुनता हूँ, तो बस वो मेरे के ऊपर छोड़ दो फिलहाल। और जो हैं अभी आप आए हैं, चलिए, तो आपसे मैं अभी कोई अभी बात ही नहीं करूँगा क्योंकि आप वो चीज़ छूट चुके हैं। हाँ, अब आप पे आ जाओ, क्या कहा था आपने? हाँ बोलो बोलो, दोबारा बोलना पड़ेगा। स्वामी जी, मैंने ये कहा था कि मेरे को दो वचन चाहिए, एक तो आप और दूसरे वही कि मैं चाहती हूँ कि मैं जिम्मेदारियों से वही फ्री होके मैं आप ऐसे। देखो, मेरे पास आ जाओगे जिम्मेदारियों से फ्री हो जाओगे, और जिम्मेदारियों से फ्री होगे तो मेरे पास आ जाओगे। दोनों उलझे हुए वचन है, क्रास कनेक्शन है, और बहुत ज़बरदस्त क्रास कनेक्शन है। यहाँ पे भी मैं आपसे एक बात पूछूंगा, इनसे जैसे मैंने कहा कि तीन तरीके हैं मेरे पास आने के, एक शारीरिक, एक भावात्मक और ये, तो आप में से तीसरा तरीका अगर आपका है जैसे इनका है तो मैंने तरीका बता दिया, बाकी दो तरीकों में से अगर कोई हो तो बोलो, फिर मैं वो बताता हूँ। अब जैसे अगर हम चाहें कि हम हमेशा आपके पास रहें, आपके साथ रहें, तो वही है, फिर हम कैसे रह सकते हैं?
नहीं उसके लिए बस रहो, रहना हो जाता है बस, और क्या। पर स्वामी जी फिर अभी घर में बच्चे हैं ना छोटे-छोटे। देखो आप अपने वचन में स्वयं बाधा हो भाई, अपने वचन में आप स्वयं बाधा हो, मेरी तरफ से कोई बाधा नहीं, मेरी तरफ से बाधा नहीं है कि आप नहीं रह सकते, कोई भी रह सकता है, लेकिन उसकी तरफ से बाधा है। आप अपने को जितना मुक्त कर सको उतना ही आप निकट आओगे, और जितना ही निकट आओगे उतना ही मुक्त होगे। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि कुछ हम छोड़ दें फिर आ जाएंगे, और फिर वो आए और कहने लगे अब छूटने लगा। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो मुझसे कहते हैं कि हम आपके पास आना चाहते हैं, हम ये सब छोड़ के आना चाहते हैं, और आ जाते हैं, और आने के बाद उन्हें लगता है कि जो छोड़ा है वो ज़्यादा कीमती था। तो अभी ये बहुत ऊपरी तह पे बातें हैं, बहुत आसान सा ये आकर्षण है कि एक आदमी को देखें और हम लगे कि हम इसके साथ रह सकें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि थोड़ी समझ को और पकने दो, इसमें कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं, अपनी समझ को पकने दो। और वास्तव में अगर तुम्हारे जीवन के लिए कोई ऐसी चीज़ ज़रूरी है कि मेरा साथ ही ज़रूरी होगा तो वो मिल जाएगा। साथ तो इतने सारे ये बच्चे रह ही रहे, नीलेश इतने दिन साथ रह लिया, सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से आ जाएंगे। नीलेश तो बहुत बंधन में था, जब आया तो सारे बंधन भी फिर मैंने निभाए। लेकिन इसके लिए जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, और अगर जल्दबाजी की ज़रूरत है तो फिर नियति बनो। नियति को आना था तो बस आना था, फिर सब छोड़ के आ गई, और आज कोई चीज़ याद भी नहीं आती। तो ये जो जैसे ही हम दो चुनते हैं, हम द्वैत चुन लेते हैं। आपने जब कहा था कि मेरे दो वचन हैं, तो मैंने पहले ही कह दिया था क्रॉस कनेक्शन होने, ये तो पक्का ही है। अगर दो है तो क्रॉस है, दोनों एक दूसरे को रोक रहा है। एक है तो फिर मार्ग है। आप किसी जगह दो मार्ग पाओ तो कन्फ्यूज़न हो जाता है खड़ा कि कौन सा चुने। तो ये दो क्वेश्चन आपका मांगना आपका कंफ्यूजन है, लेकिन इस कंफ्यूजन के संबंध में मैं काम करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस तरीके की बातों से, इस तरीके की विधियों से गुजारूँ कि आपका कंफ्यूजन दूर हो, क्योंकि ये दोनों रास्ते इम्पॉर्टेंट इतने नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट है आपका कंफ्यूजन दूर होना। तो कंफ्यूजन जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, तो हम उस पर काम करेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन कंफ्यूजन दूर होने के संबंध में जो मैं वादा दे रहा हूँ, उससे एक वादा आपको भी देना पड़ेगा। जब जो कहूँ वो मान लेना, जब जो कहूँ फिर इब्बट मत करना उसमें, और वो मान लिया तो फिर कंफ्यूजन दूर, क्योंकि यही तो दूर है। इब्बट करते हो तभी तो कंफ्यूजन है। मैं 10-20 बातें कहूँगा जिसमें इब्बट नहीं करोगे तो आपका कंफ्यूजन खुद ही दूर हो जाएगा। सहज सीधा सा प्रयोग, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं इसमें। तो आपके कंफ्यूजन पे मैं काम करूंगा, कोशिश करूंगा दूर हो, बल्कि सबके कंफ्यूजन पे, क्योंकि डिवाइडिंग माइंड के अतिरिक्त कोई दूसरा रोग है ही नहीं। एक ही रोग है दुनिया में, डिवाइडिंग माइंड, सब में वही है, दूसरा कोई रोग नहीं। हाँ जी, और आगे बढ़ते हैं, नियति का तो हो गया मामला, आप बोल दो एक बार फिर। जो मैंने अच्छा हो आप बता दो। चलिए फिर, वो मैं नहीं बता सकता। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि जो मेरे लिए अच्छा हो आप बताएं, तो मेरी जिम्मेदारी इस अर्थों में और ज़्यादा बढ़ जाती है कि किसी भी इंसान, चाहे नीलेश हो, चाहे जीजित हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, किसी भी इंसान ने अगर ये चाहा कि मेरे लिए आप कुछ बेहतर बता दें, तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि हर इंसान के अंदर उसकी छुपी चेतना से बेहतर उसे कोई नहीं जानता, और वही चेतना आपको बेहतर बता सकती है कि आपके लिए क्या बेहतर है। हाँ, मेरा काम सिर्फ इतना है कि वो चेतना अगर सोई हुई हो तो उसको जगाने का उपाय कर सकूँ, ताकि वो आपको समय समय पे बताए कि क्या आपके लिए ठीक है। क्योंकि मैं जो भी बताऊँगा वो बातों से बताऊँगा, शब्दों से बताऊँगा, कहीं कहीं पर बताऊँगा, मैं उतना तो बताऊंगा जिससे तुम्हारी चेतना जगे, लेकिन कभी भी कोई नियम के रूप में कोई चीज़ नहीं कह सकता कि आप ये करो। चेतना जगने के लिए यदि कोई नियम ज़रूरी होंगे तो उन पे ज़रूर बात करूंगा, लेकिन बाकी आपकी चेतना ही बेहतर बता सकती है कि आपके जीवन में क्या है। किसी भी स्त्री के लिए, क्योंकि आप स्त्री हो, किसी भी स्त्री के लिए
सेवा से अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं होता। अगर किसी स्त्री की सेवा बाधित हो जाती है उससे ज्यादा पीड़ा में कोई नहीं होती। एक एक विधवा से बड़ा दर्द किसी स्त्री का नहीं होता। वो बात अलग है, आजकल की विधवाएं तो विधवा होकर तुरंत पब में भी जा सकती हैं, वो मैं उनकी आज की बात नहीं करता। लेकिन विधवा का जो वास्तविक स्वरूप था कि इसके जीवन में अब फिर कोई पुरुष नहीं, अब कुछ भी नहीं, एक दूर तक बिल्कुल खालीपन, तो एक विधवा की ये स्थिति सबसे ज़्यादा पीड़ादायक होती है। और उसका कारण होता है कि अब वो सेवा किसी को दे नहीं सकती। तो एक स्त्री के लिए सेवा बाधित हो जाना उसके लिए सबसे बड़ी पीड़ा है। अगर किसी का बच्चा दूर हो जाता है तो एक ही पीड़ा है कि अब मैं सेवा किसकी करूं, कल तक इसके बाल काट देती थी, ये करती थी, वो करती थी। कभी किसी ने पूछा था, उन्होंने कहा था कि ऐसा सुना है कि बहुत आश्रम होते हैं, ऋषियों के आश्रम पहले होते थे, जहाँ पे बहुत बहुत स्त्रियाँ रहती थी, तो क्या आप मुझे बताएंगे क्या स्त्रियों के साथ भोग करते थे, संभोग करते थे, क्या करते थे? एक ऋषि और एक एक हजार स्त्रियां रह रही आश्रमों में तो क्या होता था? तो एक कहीं मैंने एक बात सुनी, बड़ा अच्छा सा एक स्लोगन है और बहुत गहरा है, कि यदि किसी स्त्री की पूर्ण सेवाएं ले ली जाएं तो वो स्त्री सेक्स से मुक्त हो जाती, पूर्ण सेवाएं। और यदि कोई स्त्री की सेवाएं बाधित हो जाएं तो वो बहुत कामुक हो जाती, इसलिए स्त्री को सेवा के अवसर मिलते रहने चाहिए। मैं आज बैठा था दिन में, मैंने कहा कि मेरे बालों में तेल लगा दें, दो तीन स्त्रियां बैठी थीं, उनमें से माँ थी, माँ ने बोला मैं लगा देती हूँ, मैंने कहा माँ आप लगा दें, क्योंकि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं सेवा दे सकता हूँ कि सेवा आदमी करे। और यदि किसी इंसान के पास ऐसा प्रेमी, ऐसा पार्टनर मौजूद है जिसकी वो सेवा में ही रस ले रही है, तो मैं नहीं समझता कि उसको जगत में और कोई चीज़ की ज़रूरत है। तो आप अपनी सेवा को बरकरार रखें, सेवा जहाँ पे बाधित होती हो वहाँ पे मेरी बात को चिंतन करें कि ये सेवा बाधित ना हो, ये सेवा बनी रहे, और अगर सेवा बनी रहेगी तो आनंद बना रहेगा। और अपने आप में एक नदी जैसे ये बहती है, तो अगर रुकावट ना आए तो ये सागर तक पहुंच जाती है, इसे कोई चिंतन नहीं। तो सेवा अगर बाधित ना हो तो एक दिन प्रार्थना बन जाती, सेवा अगर सही से की जाए तो भक्ति हो जाती। तो आप सेवा में रस लो, और जिसकी सेवा करोगे वो भक्त हो जाओगे। तो यही एक बहुत प्यारा सा सूत्र है किसी भी स्त्री के लिए। मैं तो हर स्त्री को यही कहता हूँ कि सेवा को पकड़ो, जहाँ पर तुम्हें सेवा कर सको वहाँ सेवा करो, चाहे पिता की करो, चाहे भाई की करो, चाहे माँ की करो, चाहे पुत्र की करो, चाहे पति की करो, चाहे प्रेमी की करो, सेवा करो। लेकिन ये जो ध्यान यान ज्ञान यान बता दिया गया, ये बड़ा झंझट वाली चीज़ है। फिर भी इस संबंध में थोड़ी बातें करेंगे। टाटा आप पे आते हैं, फिर से बोलें। मेरा कहने का मतलब है, जैसे मैं बहुत बार मतलब मेडिटेशन करता हूँ, बैठता हूँ, फिर लय टूट जाती है उसमें। बुक्स पढ़ के मैंने जो भी मतलब इस चीज़ के बारे में जाना है, बाकी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बुक्स पढ़ी है मैंने। हालांकि मैं और उसों के यहाँ आश्रम में कहीं गया नहीं हूँ, बुक्स खाली बुक्स पढ़ पढ़ के मैंने ये चीज़ें जानी है। लेकिन असल चीज़ क्या है वो चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। उसमें मेरा लय बनाइए, मैं बैठता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो लय टूट जाती है। फिर जैसे हफ्ता दस दिन बैठा हूँ लगातार, बैठ जाता हूँ, फिर बैठना बंद हो जाएगा खुद से ही। मतलब आपके लिए लय का क्या मतलब है? कितने दिन तक लगातार आप बैठे रहो तो लय बन जाए? ये तो मैं नहीं कह सकता कितने दिन इसमें। तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि 10 दिन बाद नहीं बनती और वो गलत हो गई, टूट गई? हो सकता है उतनी ज़रूरत हो। आपके थाली में जितना भोजन है, ज़रूरी तो नहीं सब खाना। अगर 10 पराठे रख के रख देंगे और आपकी डाइट 3 की है, तो आप 3 खा के उठ जाओगे या 7 खाओगे ज़बरदस्ती? नहीं, तो 3 खा के तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा हमने इतना छोड़ दिया? देखो सच बात तो ये है कि ध्यान टाइम से बंधा हुआ नहीं, ध्यान है आनंद से बंधा हुआ। और यदि आप आनंद को पकड़ें तो जितने समय मिला उतना बढ़िया।
मांग इंसान के अंदर वस्तुओं की होती है कि मुझे और मिल जाए, धन मिलता है, 10 रुपया मिलता, 1000 मिल जाए, लेकिन आनंद की तो एक क्षण काफी होता है, एक क्षण मिल गया धन्यवाद। अच्छा आप बताओ, कभी किसी स्त्री से प्रेम रहा आपका? जी। सुंदर स्त्री से रहा? हाँ, मेरे लिए सुंदर थी। अभी है? अब है नहीं है। अच्छा अभी उसके बारे में याद करो, उसके साथ सेक्स सेक्स किया? जी नहीं। किसिस किया? जी। तो चलो किसको याद करो, देखो आनंद आता है कि नहीं आता। मुस्कुरा तो आ गई। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, कई बार लोग कहते हैं कि ध्यान को कैसे गहरा करें। ध्यान को गहरा करने का सिर्फ एक ढंग है। ध्यान को गहरा कर मतलब तुम लेंथ से मत नापो। एक तो कैलकुलेटिव माइंड जो है वो हमेशा नापता है दिन से, घंटों से, कि इतने महीनों तक रहा। सच बात तो ये कि एक क्षण का भी अगर ध्यान मिले तो एक शब्द है ग्रेटिट्यूड, अहोभाव। ध्यान के प्रति अहोभाव से भरो, वो बढ़ जाएगा। मैं दूसरी बात कहता हूँ, ये अहोभाव थोड़ा उलझा देता है, ये ग्रेटिट्यूड थोड़ा उलझा देता है। जैसे अभी तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का किस याद किया, अब ताज़ा हो गया, ऐसा लग रहा अभी ले रहे हैं। उसी तरीके से ध्यान के एक क्षण भी मिले ना, और किसी क्षण मिले यार ध्यान लगता है नहीं, तुरंत याद करो जब था और तुरंत आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। ये 10 दिन मिला, तुम धन्यभागी लोग तो एक क्षण का ढूंढ रहे हैं। तुम 10 दिन मिला और तुम्हें लग रहा है कम मिला। कंपैरिजन और कैलकुलेटिव माइंड जो है वो हमेशा पीड़ा ले आता है। जैसे आपकी प्रेमिका को आप किस करने के लिए सोच रहे हैं, भाव, कोई कैलकुलेशन था इसमें, कितनी देर सोचेंगे, ऐसा मैंने बताया जी। चलो अब इसी प्रयोग को दूसरा करते हैं। आप सोचो अपनी प्रेमिका के किस के बारे में और 9 का पहाड़ा पढ़ो। अच्छा 63 का पहाड़ा पढ़ो। संभव नहीं है, संभव नहीं है, मजा नहीं आएगा। आनंद के साथ भी तो आप यही कर रहे हो, पहाड़ा पढ़ रहे हो। समझ गए जी। क्या बात है। तो कुल मिला के बात ये है कि मामला इतना उलझा हुआ है नहीं जितना उलझा हुआ दिखता। समझ गया, मैं गलती कर रहा हूँ। यस, गलती हमारा दिमाग करता है, डिमांड कर रहा है वो, मतलब जो दिल का काम है वो दिल करे। दिमाग का काम कहाँ पे है देखो, समझो, दिमाग का काम इतना है कि हम इधर जाएं तो हमें देख लिया गेट है, एक कुंडी लगी, खोलने का काम दिमाग करता, बस उतना कर लो। लेकिन किसी के दिल की कुंडी खोलने के लिए इस्तेमाल मत करो दिमाग का। दिल की कुंडी और बाहर जो दिख रही है दरवाजे की कुंडी इज ए डिफरेंट। तो दिमाग का जहां काम है वो दिमाग से करो, जहां पे भाव अच्छे हैं वहां भाव से काम करो। तो दिमाग का काम जब हम उन चीज़ों में करते हैं जहाँ पे दिमाग की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, तब हम उलझ जाते हैं। तो बहुत सहज से सूत्र हैं, वैसे तमाम तरीके के सूत्रों की लोग चर्चा करते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहूँगा। मैं अब वहाँ पे बात आता हूँ जहाँ पे मन लागो यार फकीरी की बात है। मैंने अभी एक आप लोगों को यहाँ इन्वाइट करने से के बाद एक वीडियो डाला था कि मेरा अचानक ऐसा भाव बना है कि मैं आप लोगों को एक आवाहन की जो है प्रक्रिया से गुजारूं। आवाहन, आ वाहन, सिंपली है कि आ मुझे वाहन बनाओ। लेकिन एक कहानी है जिसे मैं सुना दूं, वो ओशो ने कहीं कही थी और मैंने किसी जगह किसी सन्यासी ने मुझे बताई थी, तो मुझे वो अच्छी लगी तो मैंने अपनी स्मृति में रखी। एक राजा एक फकीर को अपना मित्र मानता था। फकीर अपने जंगल में रहता, तो एक दिन वो राजा उस फकीर से मिलने गया। जब वो मिलने गया तो फकीर उस वक्त घर में नहीं था और जंगल में कहीं गया हुआ था किसी काम से।
तो उसकी पत्नी ने कहा आप बैठें, वो भी आते होंगे। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। पत्नी ने चारपाई भी बिछाई, उस पर जो भी उसके यहाँ घर में था डालने का वो डाल दिया। राजा फिर भी खड़ा रहा। फिर उसके बाद फकीर आया, तब तक राजा खड़ा रहा। तो फकीर जब आया तो फकीर की पत्नी ने तुरंत ही फकीर से शिकायत की, ये तुम उनसे मिलने आए, मैंने इनके लिए जगह ये बिछाया, चारपाई बिछाई, ये सब डाला और ये बैठे नहीं। फकीर ने कहा वो राजा है और तूने जो उसके लिए बिछाया है वो उसके बैठने का स्थान नहीं, जिसको बैठालना चाहते हो उसके योग्य स्थान तो बनाओ, वो कहाँ बैठे आके, वो कहाँ बैठे। अगर परमात्मा को ही हम अपने अंदर बैठालना चाहें, स्पेस कहाँ है तुम्हारे अंदर, कहीं कहीं पत्नी, कहीं बच्चे, कहीं कारें, कहीं घोड़ा, कहीं ये कहीं वो, सब कुछ तो भरा हुआ, वो बैठेगा कहाँ। तो जिन चीज़ों से हमने अपने को भर रखा है, अगर हम उन चीज़ों से अपने को खाली नहीं करेंगे तो वो आएगा, और अगर खाली कर देंगे तब वो आ जाएगा। वो दिख जाएगा। वो दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? खाली होने के बाद जो है वही दिख जाएगा। ये भी झंझट है। मात्र खाली करने से आएगा नहीं। नहीं, पहली बात याद रखें, जिस तरीके से हमारे फेफड़े, उसमें ऑक्सीजन जाती है, तो जितने स्नायु तंत्र होते हैं उसमें ऑक्सीजन अपने आप चली जाती है, कोई लेने का देने का झंझट नहीं, खाली हो और भर जाता है। इस जगत में कोई चीज़ खाली रहती नहीं। मैं दिमाग का एक विज्ञान बता रहा हूँ आपको, ये दिमाग कभी भी चलना बंद नहीं होता, जब बंद होता है तो मरा हुआ होता। अब दिमाग चलता है तो पहला तल है दिमाग के चलने का, कि जैसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं, खा पी रहे हैं, ये दिमाग चल रहा है। फिर आप सो गए, दिमाग चलता है, फिर वो सपने ले आएगा। और अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सपने भी हमें नहीं आते हैं, उनका भी दिमाग चल रहा होता, बस उन्हें सपनों की स्मृतियां नहीं होती। उनका दिमाग जिस तरीके से अंदर वर्क कर रहा होता उसकी स्मृतियां नहीं होती, जिसको वो कहते हैं कि सपने नहीं। तो पहला दूसरा तल है कि दिमाग फिर अपने सपनों में चलेगा। फिर एक तीसरा तल है, अगर कोई सम्मोहनविद आपको सम्मोहित करे, जैसे होता है नार्को टेस्ट होता है, तो सम्मोहन करे, तो सम्मोहन में आपका दिमाग वो अपने कब्जे में लेके चला सकता है, उससे बातचीत कर सकता है, तो दिमाग जो है दूसरे के कहे पे चलने लग जाता है। लेकिन फिर एक और अवस्था है, इसी अवस्था के लिए मैं बोलता हूँ योग निद्रा। एक ऐसी नींद जिसमें आप सोते हो, ना तो आप सपने में जाते हो, ना आप जाते हो किसी के हिप्नोटिज्म में, बल्कि दिमाग ऐसा हो जाता है कि वो करे तो करे क्या, ना तो उसे सपने आ सकते हैं, ना दूसरा उसको आदेश दे रहा। तो फिर एक अवस्था होती है कि आपकी सोई गई चेतना आपके दिमाग को कंट्रोल में कर लेती है। वो चेतना जब उसको कंट्रोल में करती है तो आपका जीवन बेहतर होता है, वो आपके जीवन में वो सब चीज़ों को भरती है जिसकी ज़रूरत होती है। वो बड़ा अद्भुत ढंग है भरने का, बहुत अद्भुत ढंग से भरती है। और इसी के साथ वो बात भी होती है जिसको मैं आपसे कह रहा हूँ, कि जब आप अंदर से इच्छाओं से खाली हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में आप जब बिल्कुल खाली होते हैं और जीवन में कुछ भी नहीं बचता, तो परमात्मा प्रवेश कर लेता है। लेकिन उसके साथ एक बहुत खूबसूरत घटना है, वो घटना दो तरीके से मैं समझाऊंगा। एक घटना है एक गाने के रूप में, कि पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे,
के मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, हर आहट पे समझी वो आए गयो रे, झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी, ओ पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। एक स्त्री जब विवाह होने जा रही, किसी के घर जा रही, किसी के लिए जा रही, तो उसे पूरे तरीके से अपने में आत्मसात कर लिया कि मैं इसके लिए जीऊंगी, इसके लिए मरूंगी, सब तरीके से कि पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, लेकिन हर आहट पे समझी वो आए गयो रे, झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। सुहागरात है, सेज पे सजी बैठी, इंतजार उसी का कर रही, और जैसे ही आया, ये साधक और परमात्मा के बीच का बड़ा प्यारा खेल। साधक को एक तरफ तो परमात्मा के लिए बिल्कुल पागल होना चाहिए, इतना पागल कि बस तू ना मिला तो प्राण निकल जाए, और दूसरी तरफ ऐसा नखरेबाज भी होना चाहिए कि जब वो आए घूंघट डाल लिया। क्यों? क्योंकि घूंघट वो ही उठाए तो मजा आता है। घूंघट जब वो उठाता है तो एक स्त्री को भी अपनी गरिमा प्रतीत होती है, वरना उतार के सब घूंघट उंगट और अपने सब नाइटी आइटी पहन के बैठ जाए तो उसमें कैसी गरिमा। गरिमा तो उसी में है कि जब घूंघट वो उठाए, तो पहली तो बात ये है कि घूंघट वो उठाए, लेकिन आपके अंदर अगर उसके लिए प्यास नहीं होगी और वो घूंघट उठा दे तो फिर तो रेप केस हो गया। आपके अंदर प्यास है फिर घूंघट उठाया तो वो प्रेम है, बड़ा आनंद है, और आपके अंदर प्यास नहीं और किसी ने घूंघट उठा दिया तो वो रेप हो गया। तो कई तुम पागलों को देखते होगे स्टेशनों पे और जगह जगह घूमते हैं जिनके ऊपर परमात्मा बरसा होता है, ना तो उन्होंने बुलाया होता है ना उन्हें कुछ खबर होती है, और बरस जाता है तो रेप हो जाता है। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ शब्दों का बहुत गलत उपयोग लगेगा, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ उसको समझिए। अगर आपने उसके संबंध में जानकारी भरी, आपने उसके संबंध में समझ भरी कि ऐसा ऐसा है वो परमात्मा, और जब जब वो आया तब तब अपना घूंघट डाल लिया, तो एक दिन वो उठाएगा और बहुत गरिमावान प्रतीत करोगे। और यदि कोई आके जबरदस्ती किसी ने घूंघट उठा दिया तो जैसे स्टेशनों पे मैं बोलता हूँ खास तौर पे स्टेशनों पे वो पागल मिल जाते हैं, मैं जानता हूँ सब पागलों को, पहचान भी लेता हूँ इनका घूंघट उठा, लेकिन इन्हें पता नहीं था जबरदस्ती उठा दिया गया और इसीलिए पागल हो गए, उन्हें समझ नहीं होती। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप लोग एक अलग तरीके की आगे आने वाले 7-8-10 दिनों में एक यात्रा करें, वो यात्रा एक खास तरीके से की जाएगी। एक तरफ तो मैं आपके अंदर परमात्मा की प्यास पैदा करूंगा, दूसरी तरफ आपके मन पे चोटे करूंगा कि आपका मन संसार में जिन चीजों पे उलझा हुआ है उनके संबंध में आपको उनकी व्यर्थता मालूम पड़े। मैं परिवार समाज हर चीज के खिलाफ बोलूंगा, हर रिश्ते के खिलाफ बोलूंगा, हर संबंध के खिलाफ बोलूंगा। तो एक तरफ तो उसके प्रति प्रेम जगाऊंगा, दूसरी तरफ तुम्हारा जिस तरह का प्रेम है उसकी सत्यानाश करूंगा, और तीसरा तुम्हें वो ढंग सिखाऊंगा कि कैसे घूंघट जो है वो डाला जाता है और अपनी गरिमा भी बचाई जाती। तो ये तीन तरीके के ढंग यहाँ चलेंगे। अब इसके संबंध में मेरे असली जीवन की एक घटना है जिसको आपको सुनाना चाहता हूँ, और उससे सुन के आप लोग बहुत कुछ सीख जाओ कि आने वाले समय में आप सबके साथ क्या होने वाला है। उसके बाद जिनको भागना हो वो अभी भाग सकते हैं, दरवाजा हमने लगवाया नहीं। बीच में भागोगे तो ये बात भी कह देता हूँ कि बीच में अगर तुम यहाँ से भाग गए तो जीवन में सारे द्वार तुम्हारे लिए बंद, बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूँ।
अभी भाग लेना, इसलिए कहानी सुना देता हूँ। बीच में भागे तो यहाँ का द्वार खुला है भागने के लिए, लेकिन संसार के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। तुम साधकों में नहीं अभी आते, तुम अभी सबकी सेवाओं में आते हो। फोटोग्राफी कर रहा वो भी नहीं आता इसमें। कहानी सुनाता हूँ जो असली जीवन से जुड़ी हुई, और मैं शक्ति के साथ काम करता हूँ। जब सामने वाला बोलता, जैसे मैंने एक वचन की भी बात कही कि भाई मांगो, एक वचन क्या है, आपने मांगा, मैंने कहा ठीक है मैं तो पूरा कर दूंगा, तुम भी पूरा करना, समझ लेना ऐसा ऐसा होगा। एक बार मैं 2009 की बात है, सहारनपुर के एक आश्रम में मैं वहाँ पे संचालन करता था, आश्रम चलाता था। तो उस समय फेसबुक के माध्यम से एक महिला जो थी काठमांडू की, मुझसे जुड़ी। तो मैं उसकी चैट शायद कहीं मेरे सेव भी होगी, मैं ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं रिकॉर्ड सेव कर लेता हूँ ताकि ज़रूरत पड़े तो उनका यूज़ कर सकूँ, कहीं होगी मेल एल पे पुराने। तो मैं उससे बातें करता था, तो वो मेरी बातों से बहुत प्रभावित थी और मेरे वीडियो वगैरह देख के थोड़ा सा एक आध देखे थे, तो उसको बहुत लगता था कि मुझे इधर बढ़ना है, धर्म की तरफ बढ़ना है, ये वो सब। तो भाई मुझे तो जिस तरीके से एक बच्चे को भूख लगती है माँ तलाशता है, वैसे ही माँ की छाती भरी होती तो वो एक बच्चा तलाशती। तो मेरा भी ढंग है, मुझे भी कोई चाहिए जिससे मैं अपनी बात कह सकूँ। तो उसने बातों के दौरान एक दिन कहने लगी कि मुझे तो बस सत्य की प्यास है और मुझे पाना ही है सत्य, मुझे तो इससे कम में कोई सौदा ही नहीं। मैंने कहा सोच ले तू क्या कह रही है, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। उसने कहा मैं अपने घर को आग लगाने को तैयार हूँ, सब कुछ आग लगाने को तैयार हूँ, और आप मुझे बस इस यात्रा पर ले चलो। मैंने कहा ठीक है, वादा। उसके बाद वादा हो गया। वादा होने के बाद उसने कहा कि मैं अब आपके पास आपसे मिलने आ रही हूँ। ठीक है, पहले तो हल्का फुल्का मिलना हुआ, वो मिलने आई, मैं भी काठमांडू गया, मिले जुले में थोड़ा सा प्रेम भी उनको होने लगा मुझसे, लेकिन एक तरफ उनकी सत्य की प्यास भी बनी हुई थी। ठीक है भाई, अभी सत्य की प्यास है, मेरा पहला वचन मुझे याद है, वो मैं पूरा करने के लिए जोर मारूंगा। फिर कुछ स्थिति ऐसी बनी कि उसके दो बच्चे थे और उसके पति को छोड़ के, पति तो ऑलरेडी उसको छोड़े हुए था, लेकिन उसके दो बच्चे उसकी रुकावट थे। कुछ स्थिति ऐसी बनी कि उसने अपना छोड़ छाड़ के दो बच्चों को भी छोड़ा, अपनी प्रॉपर्टी भी छोड़ी। उसके पति ने कहा मैं संभाल लूँगा बच्चों को, प्रॉपर्टी भी छोड़ जाओ, तुम्हें जाना है तो जाओ। तो वो अपना सब कुछ वहीं छोड़ के और मेरे पास आने के लिए निकली कि अब मैं जाके साधना करूँगी। और जब वो साधना करने के लिए निकली, तो जब मैं उसको लेने के लिए गया, क्योंकि मैं सहारनपुर में रहता था, मैं उसको लेने के लिए एयरपोर्ट पे दिल्ली के गया, तो जब वो उतरी तो बिल्कुल एकदम मस्त कि अब तो बस परमात्मा के राह पे बढ़ रही है। तो उसने कानों में अपने वॉकमैन लगाया हुआ, वो आईपैड था, उसको अपना सुन रही। मैंने उससे वहीं कहा, मैंने कहा यार अपना ये आईपैड मुझे दे दो। बोली मैं इसमें ओशो के प्रवचन सुनती हूँ, भजन सुनती रहती हूँ। मैंने कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसे मुझे दे दो। उसने मुझे वो दे दिया, उसे सरल बात लगी, उसने कोई बात नहीं, अब प्रवचन तो आश्रम में सुनेंगे जाके। मैंने अपना वो साइड में रख दिया। फिर आश्रम लेके पहुँचे, अगले दिन वो आश्रम में पहुँच के बड़ी खुश, ध्यान का वक्त हुआ, साधक आने लगे, गाँव के आते थे सब। जब वो वहाँ प्रवेश करने लगी तो मैंने उससे कहा रुक जाओ, तुम ध्यान नहीं करोगी, बाहर बैठो। बाहर बैठा दिया, वो ध्यान भी नहीं कर रही। फिर वो मुझसे कहने लगी कि आप प्रवचन भी नहीं सुनने देते, आपने मुझे ध्यान भी नहीं करने दिया, मैं क्या करूं, कुछ तो करूं। तो मैंने कहा मेरी सेवा करो, मेरे पैर दबाओ, मेरे बालों में तेल लगाओ, मेरे लिए खाना बनाओ। वो इसमें लग गई, बालों में तेल लगाने में,
खाना बनाने में, इन सब चीज़ों में उसको, लेकिन ना प्रवचन और ना ही कोई ध्यान। फिर जब इसमें वो रम गई तो उसके बाद फिर मुझे कहीं जाना था एक हफ्ते के लिए, मैं चला गया और ये कह के गया ना प्रवचन सुनेगी ना ध्यान करेगी। जब मैं बाहर था तो तीसरे चौथे दिन मुझे फोन आया कि वो तो बिल्कुल पागल हो गई है, उसने तो सुसाइड करने की कोशिश की, उसने तो अचानक वो गोलियां वोलियां रखी थी ऐसे किसी की, उसने बहुत सारी खा ली, उसकी तबीयत खराब है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पहुंचूंगा तो बात करूंगी। जब मैं पहुंचा, मुझे अभी भी याद है, रात्रि का पहर था, वो मेरे सामने बुरी हालत में एकदम रो रही कि आपने पहले मेरा संसार छीन लिया, पहले मेरे बच्चे छीन लिए, फिर उसके बाद मुझसे प्रवचन छीन लिए, फिर मुझे ध्यान भी नहीं दिया, फिर आपने कहा सेवा करो, फिर सेवा भी छीन ली, तो मैं क्या करूं, मैं खाली हो गई, मैं मर जाऊं। मैंने कहा खाली होने का वादा था, खाली कर दिया। जब तू खाली हुई तो तुझे मरने का भाव क्यों आया? जब तू खाली हो गई थी और इतने प्रवचन ओशो के सुन लिए जिसमें कहा जाता है कि खाली हो जाओ, तो एक बार भी ध्यान नहीं आया कि परमात्मा के लिए खाली हुई? हाथ फैला देती, छोड़ देती अपने शरीर को ढीला कि परमात्मा आज मैं पूरी खाली हूं, ना संसार बचा, ना प्रवचन बचे, ना सेवा बची, ना सत्संग बचा, तुझे जो करना है कर ले। खाली होने तक मेरा वादा था, परमात्मा को मैं तेरी गोदी में नहीं रख सकता, मैं तुझे वहां तक पहुंचा सकता हूं, परमात्मा के दरवाजे तक छोड़ के आ जाऊंगा, लेकिन कुंडी तो बजा, आवाहन तो कर। तो इतना खाली होने के बाद आवाहन किया जा सकता है। बुद्ध की घटना सुनी, घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, जिस सन्यासी के जिस आश्रम में जो कुछ कहा बुद्ध ने माना, सब कुछ किया, खाना छोड़ते गए, हालत ये आ गई एक चावल के दाने पे जीवित, शरीर सड़ गया, सब बेकार हो गया, इतना खूबसूरत नौजवान कंकाल हो गया, और फिर बिल्कुल खाली। तो बुद्ध भी सोच सकते थे मर जाएं, लेकिन बुद्ध ने शायद मरना स्वीकार नहीं किया, और उस वक्त जो तारे टिमटिमा रहे थे वो परमात्मा को आवाहन कर बैठे होंगे। इसका जिक्र नहीं है कहानियों में, ये मैं बताता हूँ कि ऐसा ही कोई आवाहन उठा होगा कि आज कुछ भी नहीं बचा, मैं पूर्ण रूपेण खाली हूँ। और जैसे ही ये आवाहन हुआ, एक स्त्री खीर लेके आई, और इसको कहते हैं प्रसाद। कहाँ एक आदमी चल रहा है इस अवस्था में कि अब भोजन भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, और कहाँ उसके लिए खीर आती? जब आप अपना सब कुछ त्याग देते हैं, आपने पढ़ा ना कृष्ण की वो कैलेंडर में, तू मेरे लिए सब कुछ त्याग के तो देख, मैं तुझे बना ना दूँ तो कहना, वो यही बात कह रहे हैं कि तू मेरे लिए सब कुछ छोड़ के देख, खीर आ रही है। खीर एक सिंबल है इस चीज का कि बुद्ध ने सब त्यागा और फिर अस्तित्व ने उनके लिए सबके द्वार खोले, और बुद्ध के चरणों में जितने मुकुट पड़े, इतने मुकुट तो अगर वो युद्ध करते तब भी जीत नहीं सकते थे, तब भी नहीं जीत सकते थे। बुद्ध ने जितना नाम कमाया, इतना नाम तो शायद पूरी पृथ्वी को गुलाम बना के भी नहीं कमा सकते, तो सब कुछ उनको मिला। तो आवाहन, मैंने आपको ये बताया कि मैं यहाँ 10 दिन के अंदर आपकी वो स्थिति कर दूंगा कि इस नदी में कूद के जान देने का मन हो, जबकि ये नदी में कोई कूद के जान भी नहीं दे सकता, इसीलिए यहाँ बुलाया, गंगा किनारे नहीं बुलाया। तो 10 दिन में स्थिति तो मैं ये कर दूंगा, और ये अभी बता दिया, सबसे आखिरी सूत्र सबसे पहले दे दिया, कुंडी बजाना ना भूलना, मैं मेरा काम वहीं तक है,
मेरा काम खाली कर देने तक है। उसके बाद गरिमा तुम्हारी होगी, कुंडी तुम बजाओगे, वही तुम्हारी गरिमा है कि तुम कुंडी बजाओ उसकी और वो आए तुम्हारे लिए द्वार खोले। इतना काम तुम्हारा और उसके बीच का, मेरा काम जितना है वो मैं कर दूंगा। कहानी सुना दी, मैं आपके सत्संग छीन लूंगा, मैं आपके प्रवचन छीन लूंगा, मैं आपके ध्यान छीन लूंगा, मैं आपका संसार छीन लूंगा, इन सब में मैं बहुत माहिर हूं और वो मैं कर लूंगा। अब इतना सब नुचवाने को जो राजी हूं वो बैठे, खीर आती होगी, माँ ने शायद को हलवा हलवा बनाया, नहीं हो तो मीठा इठा रख, नहीं हो तो मीठा इठा रखा हो वो खिलाऊंगा। और अगर इससे राजी नहीं है और इसमें घबराहट है तो गेट खुला हुआ है, मैं चल तो ये गेट खुला हुआ है, वो निकल के जा सकता है। लेकिन मेरा ये बिल्कुल सच्चा सौदा है, क्योंकि ऋषिकेश धर्मभूमि है, इस पे अधर्म का बहुत बड़ा इस समय काम चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि धर्म का शुद्धतम काम कर लूँ, मैं बिल्कुल शुद्ध ही बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें जो आनंद है उसके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैं आपके सामने मिसाल हूँ। ओशो ने किसी प्रवचन के दौरान कहा था कि गुरु का एक ही काम होता है कि तुम्हें बीच मझधार में छोड़ दे और खुद किनारे पे खड़ा हो जा, अगर तुम्हें वैसा होना है तो उस तक पहुंच जाओ। तो आज तुम जहां हो और कल तुम जहां हो सकते हो, वो दोनों ही चीज़ें यहां मौजूद हैं। आज तुम जो हो वो तुम हो और कल तुम जो हो सकते हो वो तुम्हारे सामने बैठा है। लेकिन ये जो शर्त है, ये जो तरीका है, वो यही है। किसी को कोई शक? बहुत ही जोखिम भरा और घबराने वाला लग रहा है। सोच लो। किसी को भी कोई शक हो तो उंगली उठाए और जाए, और नहीं शक हो तो मेरे ऊपर छोड़ दो, क्या पता मैं कैसे बर्बाद करूंगा, क्या पता मैं कैसे आबाद करूंगा, मेरे अपने ढंग, कोई वादा नहीं किस तरीके का ढंग करूंगा, किस समय क्या करूंगा, किस समय प्रवचन दूंगा, किस समय नहीं दूंगा, किस समय बैठूंगा, किस समय नहीं बैठूंगा, कभी आपके साथ नाचने लग जाऊंगा, कभी आपको भगा दूंगा, पता नहीं क्या करूंगा। तो सब लोग राजी? जी। अभी सबकी आवाज नहीं आई? जी। डरे हुए? गेट खुला, बिल्कुल गेट खुला हुआ, क्योंकि यहाँ पे मीठी मीठी चीज़ों का कोई काम नहीं। मैं उस दिन बोल चुका हूँ और मैं उससे बंधा हुआ हूँ, जो मुझसे वो करवाना चाहता मैं तो नहीं रोकता और यही करूँगा। हाँ, ये मुझे पता है कि मेरे करने का ढंग बड़ा अद्भुत है, वो मेरा ढंग है, वो किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है, मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, कोई अच्छा कहेगा बुरा कहेगा। मैं तैयार हूँ। तैयार है? ठीक है। तो आप डरे हुए हैं, उसका रीज़न है, और उस रीज़न को समझ लीजिए। अब जो बातें कह रहा हूँ उन चीज़ों को भी सब लोग सुनेंगे। आप अगर ध्यान में गति करना चाहते हैं, आप अगर किसी भी जगह जाके कुछ पाना चाहते हैं, तो पहले उस जगह से मैत्री आवश्यक होती है। आप लोगों ने देखा नई जगह जाके इंसान को नींद नहीं आती, क्योंकि आप एक जगह के आदी होते हैं, दूसरी जगह के आदी नहीं होते, ये सब आदत का खेल है। तो लोगों को नई जगह नींद नहीं आती, नई जगह झंझट होती है, लेकिन ध्यान करने की आदत तो ऐसी हो गई है कि ध्यान के शिविर होते हैं, शुक्रवार की शाम को शुरू होगा, शनिचर को होगा, इतवार को होगा, रात्रि को अपने घर वापसी निकल सकते हैं, कोई जित्र ठहरना चाहें वो मॉर्निंग निकल जाएं,
बड़ा मीठे मीठे शिविर चल रहे हैं। इन सारे संचालकों को एक लाइन में खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। परमाणु बम फेंक देना चाहिए, कोरोना वायरस डाल देना चाहिए। ये कोई ध्यान के ढंग नहीं है। ये पता नहीं कैसे तीन दिन में, ये सिर्फ प्रचार शिविर तो हो सकता है, तीन दिन का प्रचार शिविर हो सकता है, तीन दिन का ध्यान शिविर नहीं होता। हम भी तीन दिन का करेंगे तो तीन दिन का डेमो शिविर करेंगे, लिख देंगे ये डेमो होगा, इसमें डेमो मिलेगा, बड़ा वाला चाहिए आगे आइए, तीन दिन का डेमो ध्यान शिविर। कोई बात नहीं, भौंकने दीजिए उसे। तो तीन दिन का डेमो शिविर तो हो सकता है, ध्यान शिविर नहीं होता। मैं आप सबसे निवेदन करके एक बात कहता हूँ कि तीन दिन तक हम बहुत ज़्यादा ध्यान और इन सब की चर्चाओं में नहीं, मेरा मूड फिर भी मैं कह रहा हूँ, पता नहीं किसी वक्त हो जाए, मैं कभी भी बैठा लूँगा, मैं तुरंत भी कह दूँगा आओ सब इकट्ठे हो कुछ बात करते हैं। ध्यान विधियाँ भी बताऊँगा आप लोगों को, सरलतम ढंग से करने वाली ध्यान विधियाँ बताऊँगा मैं, कोई कठिन साधना नहीं। लेकिन तीन दिन तक आपको इस आश्रम को, इस आश्रम की चार दीवारी जहाँ तक है वो देख लो, और उसके पास जैसे इधर साइड में किसी और की संपत्ति नहीं तो इसके सामने का हिस्सा, इधर साइड में किसी की संपत्ति नहीं तो इधर का हिस्सा, 10-10 मीटर तक मान लो, इतने सब हिस्से को आप सबको मिलके साफ करना है, सफाई करो इसकी पहले। यहां अगर किसी, आप पेड़ के पास खड़े हो तो उसे सहला के उससे बात करो, अगर किसी टहनी को, किसी बाउंड्री वॉल को छुओ तो उससे कहो कि हम आपके साथ हैं, आपका साथ भी हमें चाहिए, ये जरूरी है। जिन बिस्तरों को आप इस्तेमाल करें उन बिस्तरों को बिल्कुल ऐसे साफ रखें जैसे कि आज आपको मिले हैं, ऐसे ही हमेशा साफ रहने चाहिए। आपके कमरे भी साफ रहने चाहिए, एक इंस्पेक्शन हुआ करेगा पर डे, मैं किसी के कमरे में भी घुस जाया करूँगा। तैयार रहना सब लोग, जिसका कमरा गंदा मिला वो सबके कमरों की सफाई करेगा, इसलिए अपने अपने कमरे संभालो, साफ सफाई रखो, उनसे प्रेम करो, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करो। आश्रम को बिल्कुल एक एक चीज़ को यहाँ की पहले अपने साथ आत्मसात करो और फिर आप यहाँ ध्यान में उतरोगे और गति होगी। ये बच्चे जो आए हुए हैं दो तीन दिन से यहाँ पे श्रम कर रहे हैं, इनको कोई भय नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप नए हो, और यहाँ बहुत से लोग अगर ये सुन रहे हैं तो वो भी जान लें कि जाते ही एकदम ध्यान में कूदोगे कुछ नहीं मिलेगा, भयभीत चित्त। ये बच्चे जो तीन चार दिन से यहाँ हैं, आप हैं, ये हैं और दो बच्चे हमारे साथ आए, ये आए, तो चार पांच लोग जो यहाँ पे हैं ना, जो ये यहाँ लगे हुए हैं, इनमें कोई भय नहीं है, इनके लिए तो ये अपना घर हो गया। लेकिन आप नए नए आए अपने घर से यहाँ, आपको तो सब अजनबी अजनबी, तो ऐसे में भयभीत होता है। और ये एक लक्षण है कि आप इस आश्रम को अपना समझो, फिर आगे के चरण हैं, आप जहाँ भी निकलो सबको अपना समझो, फिर थूकते वक्त भी सोचो आप अपने घर के ड्राइंग रूम में थूक रहे, सड़क पे थक से थूक देते कहीं, थोड़ा सोचो, कहीं पे केरे का छिक्कल डाल के डालते वक्त सोचो कि यहाँ से मम्मी गुजरती होगी, अभी गिर सकती है रपट के। फिर धीरे धीरे प्रेम फैलता है, फिर धीरे धीरे बात बनती है। तो दो तीन दिन तक हम इस चीज़ को साफ सफाई करेंगे, हम मैत्री करेंगे, मुझसे भी मैत्री करो, मुझे भी एक गुरुजी मत बना लेना, हर बार पैर छूने आते हो बार बार मुझे कहना पड़ता बस करो बस करो, कोई पैर नहीं छुए, कोई ज़रूरत नहीं पैर की, मेरे पैरों में कोई स्वर्ग नहीं है। और अगर जिसको ज़्यादा स्वर्ग लगता हो वो बैठ जाया कि चप्पल उतार के 15 मिनट तक उसे स्वर्ग के दर्शन कराता हूँ, मेरे पैरों में स्वर्ग नहीं है, मेरे गले से लगो, मेरे साथ खाओ पियो, मुझसे बातें करो, इंसान हूँ तुम्हारी तरह, मुझे पहचानो, मेरे शरीर को देखो, तुम्हारा शरीर है मेरा शरीर है, फिर मेरे अंदर ऐसा क्या हो गया जो आपके अंदर नहीं हो सकता। अपने हौसले को बढ़ाओ, तुम लोग तो गुरुओं को देख के घबराने लग जाते, गुरु जी को देखा कंपन शुरू हो गया गुरु जी को। अब सोचो, अब आप लोग आते हो, आप लोग गुरु जी के आके गुरु जी करते हो, अब सोचो आप तुम मेरे आगे गुरुजी करो, मैं भी करने लगूं,
कैसा लगेगा? ऐसा लग रहा है जैसे कि गुरु शिष्य मिले और पैरालिसिस का अटैक पड़ गया। अब ये पैरालाइज्ड क्यों हो गए? अब पैरालाइज्ड होके यात्रा नहीं कर सकते। पैरालाइज्ड का मतलब है कि शरीर अब योग्य नहीं बचा उस चीज को आत्मसात करने से। तो गुरु के साथ मिलके भय खत्म करो, गुरु के शरीर से दोस्ती करो, गुरु की बातों से दोस्ती करो, गुरु के खाने पीने को बिल्कुल सहजतम ढंग से देखो। क्योंकि मैं ये बहुत गहरे विज्ञान की बात कर रहा हूं, आपके अंदर एक जो विचार है जो समाज ने दिए, ये आपके एक तरीके के सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन आपकी बॉडी में इनबिल्ट प्रोग्राम होते हैं। आपके सॉफ्टवेयर्स को तो मेरे प्रवचन बदलेंगे, आपके दिमाग की धारणाओं को तो मेरी बातें बदलेंगी, लेकिन आपकी बॉडी में जो इनबिल्ट प्रोग्राम है उसे बदलने का एक ही तरीका है कि आपकी बॉडी मेरी बॉडी को देखे, आपकी बॉडी मुझे चलते फिरते देखे, खाते पीते देखे, मुझे एक आम आदमी महसूस करे। जैसे किसी एक पहलवान को देख के आपको याद आता मैं भी पहलवान हो सकता हूँ, और फिर जिम जाके शुरू हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी कोई बैठा हुआ है जो उसको पकड़ लेता है। तो यदि आप आनंद की तरफ भी बढ़ते हो तो जो आपका गुरु है उसके दर्शन करो, उसको देखो, उसको पहचानो, वो आपके जैसा है, लेकिन कुछ बदलाव हुआ है, कुछ है जो उसमें कुछ अलग से आ रहा है। तो आपके जो इनबिल्ट प्रोग्राम हैं, जैसे ही वो ठीक होंगे, वो रिपेयर होंगे, आपकी यात्रा आसान हो जाएगी। मैं कई बार कहता हूँ कि मैं क्रोध करता हूँ, मैं कई बार आपको गलत देखूंगा, मैं क्रोध कर दूंगा, मुझे लेना देना नहीं गुरुजी क्रोध करते थे नहीं करते थे, ये किताबों में मैंने पढ़ी नहीं, पढ़ी होती तो मैं भी नहीं करता, मैंने पढ़ी नहीं, मैं तो करता हूँ, मेरी किताब अलग छपवा लो, इसमें लिखा हो गुरु क्रोध करते हैं, तो मैं करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे हित के लिए करता हूँ, तुम उससे घबराओ मत। मैं तुम्हारे हित के लिए अगर क्रोध किया तो आगे जब मेरे सामने आओ तो भयभीत होके मत आओ, और जितना भयभीत नहीं होगे उतनी गलती भी नहीं करोगे, और जितना भयभीत होगे उतनी गलती करोगे, वही मैं पैरालाइज्ड हो गए, ये पैरालाइज्ड हो जाओगे तो गलतियां करोगे। पैरालाइज्ड मत हो, गुरु को माथे पे मत बैठाओ, गुरु को दिल में बैठाओ, माथे पे बैठाओगे भारी हो जाएगा, दिल में बैठाओगे आपको अपने अंदर महसूस होगा। और मैं तो इतना सरल इंसान कि लोग मुझे आरोप लगाते हैं कि मैं बहुत गुरु होने की चाह रखता हूँ, कमीनों आके देखो, मैं तो साले दोस्त से भी नीचे वाला दोस्त होने की चाह रखता हूँ। ये बात अलग है कि जिस तरीके से दो दोस्त बैठते हैं, एक समस्या पे बात करते हैं, अगर किसी के पास उसका कोई सलूशन होता तो बोलता है, ऐसे ही आपकी कोई बात समस्या है और मुझे सलूशन है, मैं देता हूँ, आप ले लो तो ले लो, नहीं लो कोई बात नहीं, मैत्री थी, खाया पिया बस, गिलास तोड़े बारह ना, जरूरत क्या है ज़्यादा की। तो उतना अगर आप कर पाओ, मुझे देखो, आश्रम से दोस्ती करो, मुझसे भी करो, तो आपकी बड़ी जर्नी होगी। और अगर आपने आश्रम से दोस्ती कर ली और मेरे सामने आते ही पैरालाइज्ड हो गए तो भी गड़बड़ हो गई। तुम मुझे यहाँ देखोगे, जरूरत पड़ने पे झाड़ू मैं भी लगा लूंगा, मैं मैगी बहुत अच्छी बनाता हूँ, किसी दिन मैगी बना के भी खिला दूंगा। मैं वो वाला गुरु नहीं हूँ जो ये सब नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं गुरु घंटाल, लिख लो, बोल दो, मेरा ये कट करके ऐसे राहुल गांधी ने आलू का सोना बनाया था, ये लिखना कि ये तो अपने को खुद ही गुरु घंटाल बोलता है, ऐसे कट कट करके वीडियो डालेंगे लोग, लेकिन मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं सारे गुरुओं की धज्जियां उड़ाने बैठा हुआ हूँ। सारे गुरुओं के आश्रम में लिखा होता है गुरु जी, अब वो एक बड़ा अच्छी लड़के ने बात कही, ऋषिकेश में एक आश्रम है, कौन सा आश्रम? परमार्थ, परमार्थ आश्रम। और परमार्थ का मतलब क्या होता है? सबका हित, परम का हित। वो लड़का, उसने देखा कि परमार्थ आश्रम की गाड़ी आ रही थी तो हाथ दिया रोको, गाड़ी रुकी नहीं, बोले ये परमार्थ आश्रम की गाड़ी। भाई इस लड़के ने मुझे बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बोले ये कैसा परमार्थ। ऐसे गुरुओं के आश्रम लिखा होता, गुरु जी का तो 24 घंटा जन कल्याण में ही समर्पित है, और जब गुरुओं के आश्रम में जाओ, गुरु जी आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, थक गए हैं जन कल्याण करते करते। और वाकई में अगर कोई ऐसा
छोटा सा यंत्र बन जाए, जैसे अभी वो ड्रोन बनने लगे हैं, आगे चल के मैंने सुना है वो मधुमक्खी के आकार के भी ड्रोन बने, अगर कहीं किसी के पास पता हो कि खरीद सकते हैं कहीं से तो मुझे बताएं, मैं खरीदना चाहता हूँ। सारे आश्रमों के कमरों में घुसेड़ दूंगा वो मक्खी और दिखाऊंगा तुम्हारे कोई भी सन्यासी आराम नहीं करते, सब साले बदतमीजियां कर रहे हैं अंदर। तो जो वो बदतमीजी अंदर कर रहे हैं मैं बाहर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो बदतमीज है और मैं महान हूँ, मैं नहीं हूँ। बस इतना है वो बदतमीज कमरों में है, मैं खुलेआम हूँ, मेरे उनमें बहुत अंतर नहीं है, मेरे जैसे ही है, मेरे ही भाई बहन है, लेकिन बदतमीजी कमरों में छुप छुप के कर रहे हैं और तुमसे कहते हैं बदतमीजियां करो मत। मैं थोड़ा सा इस मामले में भी सुधार कर लिया, मैं कहता हूँ जैसा मैं खुद हूँ वैसे तुम्हें बनाता हूँ, मैं खुद भी बदतमीज तुम्हें भी बदतमीज बना रहा हूँ। लेकिन एक बात कहता हूँ, पर्दा नहीं जब कोई खुदा का, बंदे से पर्दा करना क्या है? अगर तुम्हें लगता है कि कोई कृत्य ऐसा है जो नहीं करने योग्य है तो फिर वो कमरे के अंदर भी नहीं करने योग्य, और अगर कोई ऐसा कृत्य लगता है कि करने योग्य है तो फिर खुलेआम भी करने योग्य। ये तो समझना ही पड़ेगा कि तुम्हें एक तो देख ही रहा है ना जिसकी राह पे तुम चल रहे हो, तो फिर किससे डर रहे हो? तो ये जो कुछ बातें थी बेसिक मैंने कही, बाकी यहाँ की व्यवस्था के संबंध में थोड़ी सी कुछ बातें कह दूं तो बस यही कि आपके कमरे जो आपको दिए गए हैं उनको साफ सुथरा रखें, आपके कमरे में कोई नौकर नहीं आएगा सफाई करने, आपको स्वयं ही उसका ख्याल रखना पहली बात। दूसरी बात, भोजन या कुछ भी चीज़ों के संबंध में है तो जो भी लोग इसको देख रहे हैं वो आपको जैसा गाइड करें उसको वैसा पालन करें। अगर किसी को किसी प्रकार के भोजन से दिक्कत है तो वो जो भी इसको संभाल रहे हैं उनको बोलें, वो उस दिक्कत का ध्यान रखेंगे कि वो दिक्कत आपको ना हो, उस चीज़ को सुधार करने की कोशिश होगी, लेकिन वादा नहीं। मैं कर रहा होता भोजन तो वादा करता, वो कर रहे हैं तो मैं वादा नहीं करूँगा। एक और चीज़ है जिसको आप सबको बहुत गहरे ढंग से समझना पड़ेगा, यहाँ पे दोस्ती नहीं गाँटती, यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं लेने एक दूसरे के, अगर जिंदा बच गए 10 दिन बाद तब ले लेना, 10 दिन तक ये जो मोबाइल ट्रांसफरेशन। और एक और घटना घटती है, जब दो साधक मिलते हैं तो फिर बात करते हैं, और भैया तुम्हारे कैसे अनुभव रहे? अनुभव अभी तो रास्ते पे ही चल रहा है, अनुभव क्या पूछ रहे हो? लेकिन वो भी बता ही देता है मेरे बड़े अनुभव से वो भी बता ही देगा, तुमने पूछे वो तैयार बैठा है, और फिर वो अनुभव तुम्हारे दिमाग में कचरा हो जाते हैं, उनके ऐसे अनुभव थे, उनके ऐसे थे, उनके ऐसे थे। भाई मेरे, एक के अनुभव किसी के साथ बुरे रह सकते हैं, दूसरे के अच्छे भी रह सकते हैं। जो पत्नियां पतियों के लिए बेकार हो जाती हैं वो किसी के काम भी आ सकती तो ये क्या मतलब है कि एक के अनुभव दूसरे के लिए माथे पे चढ़ने वाला काम करे? तो कोई भी यहाँ पे दोस्ती गाँटता मुझे ना दिखे। 10 दिन तक का नियम, मैत्री गांठो, हंसो, मुस्कुराओ, नाचो, किसी के बर्तन धोने में सहयोग करो, किसी के साथ झाड़ू लगाने में सहयोग करो, किसी को कोई ज़रूरत हो तो हेल्प करो। हम तो कहते हैं किसी के सर में दर्द हो तो मालिश करो, पैर में दर्द हो तो दबा दो, मैत्री करो, लेकिन दोस्ती मत करना यार, दोस्ती बड़ी गड़बड़ चीज़, ये दोस्ती बड़ा सत्यानाश करती है, साधक का तो बहुत सत्यानाश करती। मेरी आज तक जिंदगी में कोई दोस्त नहीं हो पाया, आज तक कोई दोस्त नहीं मेरा, मैं किसी से बैठ के शेयर नहीं करता, और भैया तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? हो रहा होगा, हो रहा होगा, मैं क्या लेना था? तुम्हारे घर में पकौड़े बन रहे तो यहाँ थोड़ी पहुंच जाएंगे तो ये दोस्ती यार ही मत गांठो, ये बड़ा नुकसान करती है। लेकिन लोग दोस्ती गांठ लेते हैं, साधक साधक से दोस्ती कर लेता है और दोस्तों को बड़ा महान समझने लगता है। बुद्ध के जीवन की एक घटना और है कि बुद्ध जब साधना करते थे तो उनके कई मित्र उनको बहुत ऊंचा व्यक्ति मानते थे, बुद्ध पुरुष मानते। और फिर ऐसा वक्त आया जब बुद्ध ने बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, साधना अपना छूट गई, फिर उसके बाद बुद्ध जो थे वहां से गुजरे, उनके दोस्त वो खड़े हुए थे जो उनको बहुत माना करते थे, वो सब बोले अब ये भ्रष्ट हो गया, अब तो ये बेकार हो गया। तो बात ऐसी है
कि दोस्ती ऐसी होती है कि कोई एक घंटे ध्यान करता है और कोई चार घंटे, तो एक घंटे ध्यान करने वाले को चार घंटे ध्यान करने वाला बुद्ध पुरुष लगता है और बुद्ध पुरुष भ्रष्ट पुरुष, क्योंकि वो तो एक घंटे भी नहीं कर रहा। आप समझो इस चीज को, ये टेक्निकल फॉल्ट्स हैं छोटे छोटे जो आपको होते हैं। ज्यादातर लोग वो बहुत अच्छा साधक है, बहुत पहुंचा हुआ। हमने कहा क्या पहुंचा हुआ, बहुत ध्यान करता है। तो हमने कहा अभी जा रहा है, पहुंचा नहीं है, अभी जा रहा है, अभी चल रहा है, छह घंटे चल रहा है, अभी पहुंचा नहीं है। अभी इसको ये कहो कि अभी यात्रा में है, और जब ये पहुंच जाएगा चलना छोड़ देगा। हमसे लोग कहते हैं स्वामी जी आप ध्यान नहीं करते, कहते नहीं करते, कोई जरूरत नहीं। बोले स्वामी जी वो हमने देखा, वो ओशो शिविर हम गए थे, वहाँ संचालक आए, उन्होंने तो भाई स्वामी जी अपना डेक लगाई और फिर खुद आके अपने डायनेमिक करने लगे। मैंने कहा तुमने पीटा नहीं उसको? अब जो ससुराल खुद चल रहा तुम्हें मार्ग बता रहा, और मार्ग भी क्या बता रहा, कैसेट लगा देते हैं और इसके पांच चरण हैं, ओशो ने कहा ऐसे ऐसे। ये सब तमाशागिरी बंद होनी चाहिए। सारे आश्रमों में गुरु के नाम पे अब एक एम्पलीफायर रह गया और कुछ कैस्टें रह गई हैं जो लगा दी जाती हैं, और वो आप उनसे अपना सलाह मशवरा लेते रहो, क्योंकि इसमें बड़ा अच्छा है। जैसे आप में से कितने साधक होंगे जो जाके पूछते होंगे संचार स्वामी जी हमें ये दिक्कत है, हम क्या करें? और जोर लगाओ और जोर लगाओ स्वामी जी, कुछ लाभ नहीं मिलता, और जोर लगाओ। ये और जोर चल रहा है। अच्छा, वो बड़े सेफ हैं। अगर वो कहे ना स्वामी जी इसमें कुछ हमें मतलब पीड़ा हो गई, मतलब कुछ स्वामी जी हमने ध्यान किया इसमें हमें बहुत तकलीफ हो गई, पेट में हो गई, छाती में हो गई। देखिए आप ऐसा करिए, कोई ओशो की और किताबें देखें जो आपको प्रेमपूर्ण ध्यान लगे उन्हें करें, वो बच गए तुरंत, सेफ साइड। सर तुमने पहले कहा था डायनेमिक, अब मुझे दिक्कत हुई, अब इसका इलाज बताओ, इलाज उन्हें कुछ नहीं पता। ये बहुत घातक है और ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो इस जगत में चल रही है, और ओशो के समझदार सन्यासी जो अपने को मानते हैं उनके बीच में चल रही है। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए बोला हूँ कि यहाँ किसी भी तरीके की उस टाइप की बेवकूफ़ी नहीं चलने वाली है कि सो कॉल्ड तरीके के तुम्हें ध्यान कराए जाएं, और ओशो सन्यासी तो बिल्कुल यहाँ से बच के रहें। आने वाले समय में यहाँ पे कैंप होंगे, जिन सन्यासियों को लगता है कि अपने जीवन से वो पछता गए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, वो अपनी माला वापिस कर सकते हैं। मैं लेने को बैठा हूँ, कह दो। फिर पुकारा रजनीश ने, हुआ सखाब नाम, मैं पुकार रहा हूँ माला वापिस करो, दी थी कभी तुमने संभाली नहीं, वापिस करो, क्यों रखे हो? जब तुम उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे अपने जीवन को तो क्यों रखे हुए हो? तो यहां पे कोई दिशा निर्देश कैस्टों से नहीं आता है, यहां सिर्फ मैं आपके साथ थोड़े बहुत गानों का इस्तेमाल करूंगा, और वो भी सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर के भावों को ऊपर उभार के लाया जा सके। जैसे चूहा जब अंदर बिल में चला जाता है और मारना हो तो पहले तो उसे धुआं छोड़ा जाता है कि वो निकले, फिर उसे मारा जाता है, ऐसी मैं ऐसे गानों का उपयोग करूंगा, धुआं छोड़ूंगा आपके मन में जो जो विकार हैं दबे हुए, जिसको आप बड़ा महान समझते हैं। कोई रोता है उस वक्त तो बड़ा महान कार्य कर रहा है, कोई बात नहीं, हमें दिख जाएगा कि कौन सा वाला विकार निकला, फिर उसको कैसे मारना है। क्योंकि आप लोग इस झूठे जगत में जीते जीते इतने झूठे हो गए हो, अगर मैं आपसे बैठ के आपसे पूछूं भी आपकी बदतमीजियां तो आप बताने को राजी नहीं, अपनी बदतमीजी कोई नहीं बताएगा कि कहां कहां पीड़ा में है, बल्कि बड़ी महानता बताते हैं, सब महानता बताते हैं, ऐसे महानता बताएंगे। और स्वामी जी कैसे हैं? बढ़िया। और स्वामी जी कुछ आनंद की चर्चा करें। एक वक्त था मैं डायनेमिक किया करता था ना, तो जब चलता था तो ऐसा लगता था इतना ऊंचा चल रहा हूं जमीन से। अच्छा अब क्या हुआ? अब वो आनंद नहीं बचा।
मैं पूछ रहा हूँ स्वामी जी क्या हाल है तो आज की पूछ रहा हूँ, वो तब के नहीं पूछ रहा हूँ। लेकिन आदमी अपनी आज की बदतमीजी नहीं बताता, उस पहले थोड़ा सा कुछ हुआ था उसकी बात करेगा। ये बिल्कुल गलत है। इंसान को वर्तमान की बात, मुझसे तो कोई पूछता स्वामी जी क्या हाल चाल है, मैं तो बता देता हूँ मजा आ रहा या फटी जा रही, दोनों बता देता हूँ। फटी जा रही तो कह देता हूँ भैया पैसे नहीं बचे जरा थोड़े भेज दो, मजा आ रहा तो कह देता हूँ आओ भैया पकौड़ी खा लो। सीधा सीधा जो है वो है, मेरे पास नहीं होता तो मैं मांग लेता हूँ और जब तक होता है मैं खूब नाचता हूँ, क्योंकि हम बसंती के उस गाने से बड़ा सहमत हैं जो उसने गब्बर सिंह के उस पर गाया था, जब तक है जा जाने जहाँ मैं नाचूंगी। भाई जब तक है जा जाने जहाँ मैं नाचूंगी, जब थक जाऊंगी फिर कैसे नाचूंगी। इंसान को बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैत्री गांठे सबके साथ, दोस्ती नहीं, मैत्री सबके साथ गांठे, दोस्ती किसी के साथ ना गांठे। पूरे आश्रम को पहचाने, इसे दोस्ती करें, मुझसे भी दोस्ती करें। मैं तो कहता हूँ गोपाल के जीवन को देखो, इससे भी बहुत सीखने को मिलेगा, गोपाल से सीखो।